एनटीवी टाइम, जनता की बात जनता के साथ। बदहाली का ऐसा आलम कि फिर से नर्दन तेल हाथी का मिला शव। जानकारी मिलने पर पहुंचे अफसर। हाथियों के लिए सुरक्षित रहवास के लिए दमोर पिंगला अभ्यारण्य सहित अन्य वन क्षेत्र में तमाम योजनाओं पर करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी भ्रष्टाचार के आखंड में डूबे वन मंडल सूरजपुर के घुई रेंज अंतर्गत आने वाले ग्राम पकनी में रविवार को एक नर्दन तेल हाथी का शव मिला। सूचना मिलने के बाद वन विभाग का अमला मौके पर पहुंचा। हाथी की मौत का कारण पोस्टमार्टम के बाद ही स्पष्ट होगा। प्रदेश में एक साल के दौरान लगभग 2 दर्जन हाथियों की मौत हो चुकी है। अफसरों का कहना है कि हाथी किस दल का है इसकी जानकारी नहीं मिल पाई है। हाथी की उम्र करीब 20 से 25 साल के बीच बताई जा रही है। हर बार की तरह इस दफा भी विभाग के तमाम अमले को ग्रामीणों ने ही हाथी के शव की जानकारी दी। वहीं अफसरों का कहना है अंदरूनी चलते पता नहीं चला। आकलन लगाया जा सकता है कि वन्य जीव संरक्षण के लिए विभाग की कथनी व करनी में अंतर स्पष्ट सामने है। एक नर हाथी का डेड बॉडी पाया गया है और जिसका अभी डॉक्टर द्वारा पोस्टमार्टम किया जा रहा है। मौत की आशंका तो अभी नहीं बता पाएंगे। डॉक्टरों का टीम जैसे ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो बताएंगे उसके तो बाद ही पता चल पाएगी किस कारण इनकी मौत हुई है। उम्र क्या होगी हाथी? हाथी की उम्र लगभग 15 से 16 साल का लग रहा है, प्रतीत हो रहा है। कुछ पहचान हो पाएगी सर, कौन सा दल का था और क्या था, कौन हाथी? इसके दल संदेह जताया जा रहा है कि प्यारे हाथी हो सकता है सर। वो तो नहीं बता पाऊंगा कौन सा हाथी है, लेकिन एक नर हाथी है और ये अभी 3-4 दिनों से प्रतापपुर में अकेला ही विचरण कर रहा था। प्रतापपुर वन मंडल में वन संरक्षण वन्य प्राणी और क्षेत्रीय अमला मौजूद है। इस पर मेरा यही कथन है कि वन विभाग लगातार मुनादी करता है। हमारे पास 2 से 3 गाड़ियां हैं, मेरी खुद की गाड़ी मुनादी करने जाती है। समय से पहले ही हम मुनादी करने के लिए अपनी वाहन भेज देते हैं।